अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रुखसाना मुल्ला कुकन किचन में आपका स्वागत है। फिर मैं आज एक नवा रेसिपी रमजान स्पेशल लेकर आ गई। क्या है ये देखो, ये लाल और येल्लो कलर का शिमला मिर्च, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिए आधा आधा। और इधर क्या लिया, कीमा लिया, कीमा जो फ्राई करा घर में था वो लिए, चार पीस है। और दो हरी मिर्ची है, एक बटाटा बारीक करके लिया है देखो, और एक कांदा बारीक करके लिया है। ये सब मिला के एक कीमा बनेगा। चलो मैं कैसा बनाती हूँ आप लोग को सब शेयर करती हूँ। जो पट्टी आता है ना, पट्टी के साथ भी बना सकते हैं, नहीं तो घर में भी एक जो मैदा का रहता है ना, छोटा छोटा हे बना के गोल गोल बन बेल के उसके साथ भी बना सकते हैं। चलो मैं कैसा बनाती हूँ देखो, पूरा वीडियो देखते रहो, वीडियो तो बने रहोगे, पूरा देखने मिलेगा। तेल गरम हो गया, इसमें ज़्यादा तेल नहीं देते, थोड़ा सा बहुत गरम हो गया। देखो बटाटा दे दिया, अभी बटाटा अच्छे से फ्राई हो जाएगा। मिर्ची और चिकन कट करके रखे, ये भी डाल देती हूँ, डाल दिए एकदम। अब इसको मिक्स कर लेती हूँ। अदरक थोड़ा सा पेस्ट जाएगा, अदरक का हल्का सा, ज़्यादा नहीं जाएगा। उसमें एक अदरक का पेस्ट ले लिया, ये डाल देती हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये थोड़ा थोड़ा पड़ते पड़ते इतना सारा हो जाता है। अभी शिमला, लाल शिमला मिर्च, पीला शिमला मिर्च जाएगा उसमें साथ। अभी लाल और पीला शिमला मिर्च और थोड़ा ग्रीन भी था वो भी डाल दिए इसके अंदर। इसमें क्या क्या है, अमचूर पाउडर है और ये चना मसाला मैंने घर में बनाई, ये सब में डाल सकते हैं। और ये हल्का सा नमक, ये भी डाल देती हूँ और मिक्स कर देती हूँ। है वो भी डाल देती हूँ देखो मसाले के साथ। अभी कांदा ज़्यादा पकाने का नहीं, अभी इसको थोड़ा सा पका के और उतार लेने का, नहीं तो कांदा गिल्ला गिल्ला हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। कांदा थोड़ा कच्चा रहेगा ना, मुँह पे जाएगा तो अच्छा, क्योंकि दोबारा फ्राई होगा ना वो पट्टी के साथ। अभी देखो एकदम तैयार हो गया, नीचे उतर, नहीं तो येल्लो और रेड कलर का जो शिमला मिर्च है ना वो उसको जल जाए तो कलर ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। पूरा तैयार हो गया, अभी मैं बनाऊँगी। चलो पूरा वीडियोटा देखते रहो। ये देखो अभी पट्टी, अब जो मसाला है पट्टी का वो बन गया, तैयार हो गया। अभी इधर पट्टी में घर में बनाई थी देखो, पहली बार बनाई, अच्छा होएगा तो और अच्छा से बनाऊंगी। अभी ये तैयार कर रही है पट्टी के समोसा का, अब उसमें मसाला डालेगा। अभी देखो अच्छा से पहले जो ये लगा दो, वो जो मिश्रण बनाया ना ले मैदा का वो बनाया, वो सब लगा लो। अच्छे से बनाया देखो घर का सब, मैंने बनाई ये पट्टी, ये थोड़ा सा सेक गया था, कितना अच्छा बन गया ना। बाहर की खरीदने की ज़रूरत नहीं है, घर पे हर चीज़ इंसान बना सकते हैं। एक बनाते हैं आप लोग को दिखाते हैं, उसमें जो मसाला जो है, जो मसाला जो है ना इसमें क्या था सब बताई थी ना आप लोग को, चिकन था, छोटा छोटा बटाटा, कांदा, लाल शिमला मिर्च, येलो कलर का हरी मिर्ची था, और अच्छा टेस्टी दर लग रहा है। ये देखो बना के पूरा रेडी हो गया। मैंने ज़्यादा पट्टी नहीं बनाई थी, मैं थोड़ा बनाई थी, इसमें से देखो रोल भी बना छोटा छोटा, देखो कितना अच्छा अच्छा। अब तेल भी गर्म हो, एक एक करके इसमें डाल देती हूँ, बहुत तेल गर्म हो जाएगा तो जल जाएगा, गैस आस्ते कर दी, बहुत गर्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेडी हो गया है, कितना कुरकुरा देख के इतनी खुशी मिलती है, खाने भी तो टेस्टी होगा। घर का रेडी हो गया, घर का होममेड। अभी जो ये बैगनी बना लेती हूँ। कैप्सिकम चिकन समोसा रेसिपी रेडी हो गया है, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि और अच्छा अच्छा नया रेसिपी आप लोग को देखने मिले।
और अगर आप लोग को इसका ये कैसा करके पट्टी बनाए घर पे, अगर उसको आप लोग का उसका वीडियो भी अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट्स करके बताना, बना के दिखाऊंगी। मैंने इसका वीडियो नहीं लिया था बनाने का टाइम, कल ये पट्टी बनाती हूँ, दिखाई चिकन शिमला मिर्च बटाटा जो भी है आपको सब दिखाई उसमें है। अगर आपको इसका पट्टी देखना है तो आप कमेंट करना, मेरा रुखसाना मुल्ला ब्लॉग भी है, रुखसाना जहाँ ब्लॉग्स भी है, रुखसाना मुल्ला कुकिंग किचन में भी जो अभी आप रोज अपलोड वीडियो अपलोड करते मेरा उसमें भी फ्लो करना, रुखसाना जहाँ में ब्लॉग है उसका लिंक मैं आपको रुखसाना मुल्ला कुकिंग किचन में दे दूंगी, आप वहाँ पे सर्च के देख लेना। तो चलो वीडियो इधर ही, रमज़ान स्पेशल था ना, रमज़ान स्पेशल चिकन समोसा रेसिपी रमज़ान स्पेशल है। तो चलो वीडियो इधर ही एंड करते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, बाय, अल्लाह खुदा हाफिज़।